दोस्तों जेनिफर विंगेट और गुरमीत चौधरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के छोटी प्लेटफॉर्म यानी कि टीवी इंडस्ट्री के ऐसे वो दो कलाकार हैं जिन्होंने अपने किसी भी किरदार को पर्दे पर उतारने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। इसलिए तो जहां गुरमीत चौधरी को टीवी इंडस्ट्री का मोस्ट टैलेंटेड एक्टर माना जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ जेनिफर विंगेट आज छोटे पर्दे की हाइएस्ट पेड एक्ट्रेस बन चुकी हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप लोग ये भी यकीन करेंगे कि टीवी इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाने वाले ये दोनों ही कलाकार एक दूसरे के साथ काफी अच्छा और गहरा रिश्ता शेयर करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने दोस्तों, दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता है जिसके बारे में शायद ही आपने आज से पहले कभी सुना और जाना होगा। तो आखिरकार ऐसा कौन सा रिश्ता है इन दोनों स्टार्स के बीच में जो कि इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, चलिए जान लेते हैं इन दोनों के बीच में मौजूद इसी अनजान रिश्ते के बारे में। लेकिन इससे पहले टीवी के इन दोनों ही बेहतरीन कलाकारों के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कभी बेपनाह सीरियल में जोया का किरदार निभाते हुए दर्शकों का दिल जीतने वाली, तो कभी बेहद सीरियल में साइको माया का किरदार निभाकर दर्शकों से खूब सारी वाहवाही लूटने वाली अभिनेत्री जेनिफर विंगेट और अपने हरेक अंदाज से टीवी इंडस्ट्री में छा जाने वाले मल्टी टैलेंटेड एक्टर गुरमीत चौधरी आज किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए कि आखिरकार टीवी इंडस्ट्री की ये दो महान हस्तियां एक दूसरे के साथ कैसा रिश्ता शेयर करती हैं और कौन सा रिश्ता रखती हैं जिससे कि आप भी अब तक अनजान है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुरमीत चौधरी और जेनिफर विंगेट के बीच जो रिश्ता मौजूद है वो रिश्ता है एक सच्चे दोस्त का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप दोस्तों, गुरमीत चौधरी और जेनिफर विंगेट एक दूसरे के साथ एक बेस्ट फ्रेंड का नाता शेयर करते हैं। हालांकि वो बात अलग है दोस्तों कि अभी तक दोनों ने किसी भी सीरियल में साथ काम नहीं किया, लेकिन एक ही इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने की वजह से दोनों कई बार एक दूसरे से मुलाकात कर चुके हैं और इन्हीं मुलाकातों में इन दोनों की दोस्ती को एक नया मोड़ मिला है। यही नहीं बल्कि इनकी तो ये दोस्ती तब और ज्यादा मजबूत हो गई जब मुश्किल घड़ी में दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर सामने खड़े रहे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल जब जेनिफर विंगेट ने दिल मिल गए सीरियल में काम किया था और उसे खत्म होने के बाद इन्हें किसी भी सीरियल में काम नहीं मिल रहा था। हालांकि इन्होंने कई ऑडिशन तो दिए थे लेकिन किसी भी ऑडिशन में ये सेलेक्ट नहीं हो पाई। लेकिन जब इनके दोस्त गुरमीत चौधरी को इस बारे में पता चला, तब इन्हीं के कहने पर जेनिफर विंगेट को उनके करियर का एक और टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला सीरियल मिला और सीरियल था सरस्वती चंद्र, जिसमें सरस्वती के किरदार के लिए अगर इन्हें चुना गया था तो वो सिर्फ और सिर्फ गुरमीत चौधरी की वजह से, क्योंकि गुरमीत की शोमेकर्स के साथ काफी अच्छी जान पहचान थी और इनके कहने पर ही मेकर्स सीरियल में जेनिफर विंगेट को सिलेक्ट करने के लिए रेडी हो गए थे। बस तभी से लेकर आज तक जेनिफर विंगेट और गुरमीत चौधरी का ये दोस्ती का सिलसिला और भी ज्यादा मजबूत होता गया। इसलिए तो दोनों ना तो प्रोफेशनली एक दूसरे को सपोर्ट करने में पीछे हटते हैं और ना ही पर्सनल लाइफ में। साथ ही साथ दोनों के बीच की बॉन्ड भी इतनी ज्यादा खास और जबरदस्त है कि अगर इनके इस दोस्ती के रिश्ते को दोस्ती की मिसाल भी कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। वेल दोस्तों, ये तो था जेनिफर और गुरमीत चौधरी के बीच में दोस्ती का वो गहरा रिश्ता जो हर एक शख्स की जिंदगी में होना जरूरी होता है। वेल आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर। और साथ ही साथ छोटे पर्दे से जुड़ी ऐसी ही मजेदार खबरों को जानने और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।